चुनाव, चुनाव में अध्यक्ष पद को लेकर प्रत्याशियों ने की जनसभा। मुरादाबाद जनपद की नगर पंचायत ढकिया में निकाय चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन कुछ प्रत्याशी अभी आरक्षण पर टिके हैं और कुछ प्रत्याशी चुनाव जीतने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत में जुटे हैं, जिसके चलते आज नगर पंचायत ढकिया के वार्ड नंबर 15 गांव मफ्तिया में नगर पंचायत अध्यक्ष पद के दावेदार मोहम्मद याकूब एडवोकेट ने आज जनसभा की। वहीं मोहम्मद याकूब एडवोकेट ने जानकारी देते हुए बताया कि इस गांव में सबसे ज्यादा समस्या मोबाइल के रेंज को लेकर है, जहां फोन की रेंज बहुत कम आती है, बात करने में ज्यादा समस्या आती है। यदि नगर वासियों ने मेरा साथ दिया और मुझे अध्यक्ष बनाया तो सबसे पहले वार्ड नंबर 15 मफ्तिया गाँव की समस्या का समाधान किया जाएगा। इस कार्यक्रम में काफी संख्या में युवा बुजुर्ग दिखाई दिया और प्रत्याशी मोहम्मद याकूब एडवोकेट का हौसला अफजाई किया। वहीं नगरवासियों ने जानकारी देते हुए बताया है कि मोहम्मद याकूब एडवोकेट एक युवा शिक्षित पढ़े लिखे तथा पेशे से एडवोकेट हैं। विकास कराने में सक्षम रहेंगे। वहीं एडवोकेट मोहम्मद याकूब ने बताया कि जिस तरह से आपने मेरा हौसला अफजाई किया है, यदि मैं नगर का चेयरमैन बना तो आपके भरोसे को टूटने नहीं दूंगा और सबसे पहले विकास किया जाएगा। जहां तक विकास नहीं हुआ, इसी कार्यक्रम को समापन करते हुए कई युवा तथा बुजुर्गों ने शेर और शायरी के अंदाज में कार्यक्रम को समाप्त किया। ZTV न्यूज 24 ढकिया मुरादाबाद से संवाददाता अशरफ अली की रिपोर्ट। आप सभी को मालूम है कि वकील साहब किस मकसद से यहाँ पे आए हुए हैं, तो वकील साहब के आप वोट के लिए वकील साहब यहाँ पे आए हुए हैं कि आप वकील साहब को वोट दें, अच्छे वोटों से इन्हें विजय बनाने का काम करें। आप अपने दिलों में ये अकीला करने के लिए और उस खुदा का नाम लेकर लिखते हैं और उस खुदा का नाम लेकर और नबी के सदके में ये काम यही कर देना, नबी के सदके में यही काम कर देना और करना मधु तो हाथ लगो बगीर के करना हाथ मजबूत और वकील साहब चुनाव चल रहा है तो पूरे उत्तर प्रदेश में आप नगर पंचायत ढकिया से प्रत्याशी हो और आज जो अपना कार्यक्रम जो है मवते में रखा, जो कि ढकिया का वार्ड 15 आता है, तो इसमें क्या करना चाहोगे आप नगरवासियों से, किस तरह से आप चुनाव की तैयारी कर रहे हो? देखो पत्रकार साहब, आप भी आए, यहाँ मौजूद आए हैं और आपने भी खुलेआम देखा कितनी जनता समर्थन कर रही है, आपने भी इंटरव्यू लिया है, तो मुझे लगता है कि वार्ड नंबर 15 के जो निवासी हैं ना, मुझे बहुत ही दिल से तहे दिल से मेरा जो है ना वेलकम करा हम लोग, और मैं भी इन लोगों का बहुत तहे दिल से वेलकम करना चाहूँगा और इन लोगों की उम्मीदों पर अगर इन्होंने मुझे नगर पंचायत अध्यक्ष बनाया तो मैं इन लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरूँगा। जैसे काफ़ी रात भी हो गई है और ठंड में जो है बुजुर्ग भी थे, युवा भी थे, जिन्होंने आपकी बातें सुनी है, तो किस तरह से यदि आप जो नगर के चेयरमैन बनते हो तो किस तरह से इनकी जो है मतलब मैंने कहीं विश्वास को कायम रखो? इनका विश्वास इनकी सोच पर डिपेंड करता है, जैसी इनकी सोच होगी, जैसे मुझे चुनेंगे, ये मुझे और उसे सबसे बेहतर पाएंगे और मैं हर डिपार्टमेंट से ज़्यादा सक्षम हूँ कार्य कराने में, विकास से लेकर सारे डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य से लेकर के गरीब बुजुर्ग से लेकर के, तो मैं सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा भलाई का काम करने का काम करूँगा अगर इन लोगों ने मुझे जो है चेयरमैन बनाया। अच्छा, अभी कुछ लोगों ने बताया था कि यहाँ पे जो है स्वास्थ्य मिशन जो चलाई गई थी उसका यहाँ पूरी तरह से जो कारगर नहीं हो पाई है, और कुछ लोगों ने बताया कि हमें जो ऐसा नेता चाहिए जो हमारी जो है गांव को साफ सफाई करे, उसमें क्या राय है आपकी? वैसे हमारी भारत सरकार सबसे ज़्यादा जो है स्वास्थ्य से संबंधित कार्य ज़्यादा कर रही है, सफाई अभियान एक मेन मुद्दा है, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे बड़े से बड़े लीडर ने जो है सफाई में जो है ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दिया है, तो मैं भी इतना अच्छा स्वच्छ अभियान चलाऊंगा और सबसे ज़्यादा इसी पर भी होना चाहिए, क्योंकि इससे तरह तरह की बीमारियां पैदा होती हैं और सफाई ज़्यादा से ज़्यादा होंगी तो लोगों के स्वास्थ्य में परेशानी आने में। अच्छा, जिस तरह से ये गांव है और लगभग 2 या 3 किलोमीटर दूरी पर है नगर से, तो इसके लिए क्या मतलब मैंने कहा कि यदि चेयरमैन चुने जाए तो इसके लिए क्या विशेष पैकेज क्या रहेगा? सबसे पहले तो यहाँ पर जो नेटवर्क प्रॉब्लम है, यहाँ से जो कॉलिंग करते हैं तो बड़ी कट के आती है, ऐसा लगता है कि जब बहुत पिछड़ा हुआ हमारा वार्ड है, तो इसको प्रोग्रेस दिलाया जाएगा, नेटवर्क की स्पीड भी इसको दिलाई जाएगी
टावर लगवाने की भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करी जाएगी और इन लोगों को शिक्षा का भी ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ज़्यादातर इस वार्ड में मुझे लगता है कि 85% लोग जो हैं मजदूरी करते हैं। मुझे लग रहा 15-15% जो है ना ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वो भी वेल एजुकेटेड में हैं लेकिन उन पर जॉब नहीं है शायद, ऐसे लगता है। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पे शिक्षा का भी माहौल अच्छा हो, स्वास्थ्य का तो होगा, सफाई का तो होगा ही, विकास का भी होगा, जो गरीब हैं उनको भी मकान दिलाए जाएंगे निःशुल्क, सरकार दे रही है, कोई पैसा नहीं ले रही सरकार भी, तो हम क्यों लेंगे। तो ये हमें चेयरमैन बनाएंगे तो हम भी कोई इनसे ऐसा कोई लोभ लालच नहीं है, और हम यही चाहते हैं कि लोगों की भलाई में आए, काम में आए।